जामा मस्जिद का गेट नंबर एक है और इस गेट नंबर एक से चलेंगे। यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों को चढ़ के चलेंगे ऊपर। यहाँ से अगर हम जामा मस्जिद की खूबसूरती देखेंगे तो काफ़ी अच्छी दिखती है जामा मस्जिद। आप सीढ़ियों से जैसे ही ऊपर आएंगे वैसे ही आपको एक बोर्ड मिलेगा, यहाँ पर लिखा है म्यूजिक के साथ वीडियो बनाना सख्त मना है, यानी टिकटॉक वगैरह के साथ आप वीडियो नहीं बना सकते। गेट पे जैसे एंट्री करेंगे वैसे यहाँ पर कुछ पगड़ी बैग वगैरह मिलते हैं और यहीं पर आपको जूता उतार के अंदर चलना होगा। अभी हम आ गए हैं ये जामा मस्जिद के अंदर और ये जो है इसका अंदर का भाग है। आपको चारों कोने पर छोटी छोटी छतरियाँ ऐसी दिखेंगी और ये है इसका मुख्य मस्जिद भाग ये वाला, और इनके चारों कोनों पर मीनार बनी हुई है, इधर भी देख सकते हैं। और ये मीनार इसके ऊपर जाने के लिए 50 रुपये का टिकट है, तो अभी ऊपर भी चलेंगे और टिकट भी लेंगे। और देखिएगा ये यहाँ से आया हूँ मैं गेट नंबर एक से और इसके 3 गेट हैं। आप सामने देखेंगे तो ये गेट नंबर 2 है और इधर अगर हम देखेंगे सामने तो ये है गेट नंबर 3। दोस्तों ये जामा मस्जिद जो है 16वीं सदी की बनी हुई मस्जिद है, उसको शाहजहाँ ने बनवाया था। उस समय इस मस्जिद में जो लागत थी वो कुछ 10 लाख रुपए की लागत आई थी। और ये जो है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कही जाती है और इसके अंदर जब जो लोग भी नमाज पढ़ने के लिए आते हैं वो यहाँ पर देखिएगा। ये इस पानी से हाथ मुंह धुल करके नमाज पढ़ने के लिए अंदर जाते हैं और ये जो आप देख रहे हैं ढकी हुई ये एक खास जगह है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि तो उसको रखा गया था। शाहजहाँ ने एक सपन देखा था, वो शायद यहीं पर देखा था। इस मस्जिद में जो है 25,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं, 25,000 लोगों के बैठने की जगह है इस मस्जिद के अंदर। तो आइए चलते हैं अंदर। उसका ये फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन जो है नमाज पढ़ने वाले जो लोग होते हैं उसके अंदर वही लोग जाते हैं। ये देखिए इसके अंदर की देखिए नक्काशी वगैरह, ये पूरा लाल दुर्गा नाम के बना हुआ है और ये इसका मुख्य गुंबद, इसके अंदर ये झूमर भी लगा हुआ देख रहे हैं। यहाँ पर नवाज अदा की जाती है, देखिए इधर ऊपर की डिजाइन बहुत अच्छी पत्थर पर निकाल दी, पूरा लाल ये पत्थर है उसी से बनाया गया और उस समय इसको बनाने में 10 लाख का खर्चा आया था। अंदर तो ठंडक तो बहुत ज़बरदस्त है भाई एकदम से। तो अभी चलेंगे ऊपर मीनार को देखने के लिए और यहाँ पर नमाज अदा की जाती है, देखिए कुछ भाई लोग कर रहे हैं यहाँ पर नमाज अदा। और कितनी दूर से लोग आते देखिए यार, देख सकते हैं 11 बजे है अभी, 11:10 का टाइम हुआ है और कितनी भीड़ है एकदम से, ज़बरदस्त धूप है। इसके बाद भी यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी बहुत ज़्यादा आता है। इसके अंदर तो जो है आप फ्री घूम सकते हैं, कोई भी पैसा पे नहीं करना होता है,
लेकिन मीनार के ऊपर जाने के लिए आपको 50 रुपये का टिकट लेना होगा, इसके बाद ही आप चलेंगे। तो आइएगा, चलते हैं मीनार पर चलने के लिए, लेते हैं टिकट और देखते हैं वहाँ से जो दिल्ली का पूरा नज़ारा देखने को मिलता है। तो आइएगा, चलते हैं मीनार के ऊपर। ये है मीनार पे ऊपर जाने का रास्ता भाई, और छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं। चलिए चलते हैं ऊपर और देखते हैं ऊपर से कैसा दिखता है। ये भाई इधर भी एक रास्ता है लेकिन वो बंद है। आइए इधर आ जाइए, आ गया हूँ इधर। तो मैं अभी इधर आ गया हूँ और यहाँ से अगर हम देखेंगे ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखता है। यहाँ से और यहाँ से अगर मस्जिद का नज़ारा देखेंगे तो काफ़ी अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा। चलिए चलते हैं आगे। अब मीनार के ऊपर आने के लिए 50 का टिकट लगता था, अब जो है 70 का हो गया है। और दोस्तों ये इसके ऊपर जाने के लिए यहीं से देखते, पहले यहाँ पर खड़े होकर देख सकते थे लेकिन अब जो है अंदर नहीं जा सकते। तो आइए चलते हैं मीनार की तरफ। और ये यहाँ से मिल गया भाई दूसरा जीना। आइए भाई चलते हैं, पतला सा जीना है काफ़ी। और दोस्तों ये 16वीं सदी में ये बना हुआ है और तब से अभी तक काफ़ी मजबूती के साथ खड़ा है। और आ गए हम इधर, ये है प्रवेश एंट्री। आइए भाई अभी इन सीढ़ियों से चलते हैं ऊपर। और यहाँ से भी अगर हम मस्जिद का व्यू देखेंगे बहुत ही सुंदर दिखता है भाई। चलिए ऊपर से देखते चलते। और ये मिली है भाई तीसरी सीढ़ियाँ, और ये एकदम से बिल्कुल घुमावदार है। यहाँ पर घूमते हुए चलेंगे, अभी तो लाइट लगी है, लाइट ना लगी हो भाई बहुत ही अंधेरा है। चलिए एकदम से गोलाकार बनाई, ऊपर अंधेरा आ गया भाई एकदम से। गोल 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 घूमते घूमते बच्चे आए, जिसको चक्कर आता हो भाई वो जल्दी इन पे ना आए, मैं तो थक गया। ओह हो भाई, आ तो गए ऊपर लेकिन एकदम से पंप उखड़ गई, आवाज भी नहीं आ रही। बहुत भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसके ऊपर आना 70 रुपये खर्च करना और फिर हाँपना, तो इसके बाद यहाँ का नज़ारा देखना एक अलग ही बात है। आइए देखते हैं एक बार, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो लगभग में पुरानी दिल्ली का ज़्यादातर भाग दिखता है। और सामने हम अगर जूम करेंगे तो ये देखिएगा लाल किला दिखता है, लाल किले की बाउंड्री दिखती है, वो अंदर का भी भाग पूरा दिखाई पड़ता है। ये देखिए इस पार देखेंगे भाई एकदम से काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त वाला सीन देखने को मिलता है यहाँ दिल्ली का। यही है मीनार जिसके ऊपर आने का 70 रुपये पे करना होता भाई। भैया लोग आए कहाँ से है भैया जी? भैया जी आए हैं, 70 रुपये भैया ने खर्च किया है। और ये वाले भैया सेल्फी लेने के लिए 70 रुपये खर्च किए हैं, सेल्फी लेने के लिए। चलेगा दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप लोग तो कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा जामा मस्जिद का। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए इस प्रकार के वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिएगा फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।